अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चने की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चना बनाने के लिए हमें इन सब की ज़रूरतें पड़ेगी। ये 1.5 कप चने हैं जो हमने रात में फुला दिए थे, अच्छी तरह से फूल गई है। 1 मीडियम साइज के टमाटर है, 3 हरी मिर्च है, 1 मीडियम साइज की प्याज है कटी हुई, 1 छोटी आलू है छोटी छोटी पीसेज में काट ली हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 कप पानी है, 1 बड़ी चम्मच तेल है, 1 टीस्पून नमक है और थोड़ी सी धनिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून मिर्च है, लाल मिर्च की पाउडर, काली मिर्च की पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, गरम मसाले करते हैं। हमने ऑन कर दिए हैं फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर। सबसे पहले प्याज तलेंगे, चलें हमने प्याज तलने के लिए 2 टेबलस्पून तेल डाली है और इसमें प्याज डालेंगे। हमने आधे प्याज लाल करने के लिए चढ़ाए हैं और आधे कच्चा रखे हैं जो चने डालने के बाद हमने डालेंगे। प्याज को हमने बाद में इस्तेमाल, हमारे प्याज तल कर तैयार है, अब यहाँ चने डालेंगे। नमक डालेंगे, अब चने में सारे मसाले ऐड करेंगे, उसे चला लेंगे, डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बची हुई प्याज जो हमने रखी थी वो डालेंगे। और इसे चला लेंगे। थोड़ी देर इसे भून लेंगे। आप भी चने में आलू ऐड कीजिएगा जिससे स्वाद बढ़ और बढ़ जाए। अब इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। इसे ढककर 7 से 8 सीटी आने तक पका लेंगे हाई फ्लेम पर। आज से 8 से 10 सीटी हो गई है, चलिए इसे खोल के देखते हैं। कुकर का गैस निकलने देते हैं और चलिए चूल्हा ऑफ कर देते हैं। थोड़ी सी भून लीजिएगा, बाकी स्वाद अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। पत्ती ऐड कर रही हूँ। हमारे चने तैयार हो चुकी है, चलिए गैस बंद करते हैं।